एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेई मेंस 2020 एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दी गई है अप्रैल एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको मैं इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी, अप्रैल जेई मेन एग्जामिनेशन की सारी डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ। एनटीए ने सारी डिटेल्स रिलीज कर दी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। एग्जाम पैटर्न के बारे में भी चर्चा करेंगे और साथ में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एग्जामिनेशन फ़ी कितनी है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसके बारे में भी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो 7 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। 7 फरवरी से 7 मार्च तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो फॉर्म फिलिंग की। आपको बता दूं जेई मेंस का जो एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी है बीटेक कैंडिडेट्स के लिए 650 रुपीज़ है इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया 3000 रुपीज़ है। गर्ल्स के लिए 325 है और गर्ल्स के लिए आउटसाइड 1500 है। तो आप अगर किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसके बारे में आप डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हो। साथ में आपको बता दूँ करेक्शन इन पर्टिकुलर, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आप कोई गलती कर देते हो तो उसके लिए आपको 8 मार्च से लेकर 12 मार्च तक के बीच में टाइम दिया जाता है। तो उम्मीद करना कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना कोई भी चीज़ गलती नहीं हो, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको एडिशनल फ़ी पे करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है अगर आप कोई गलती कर देते हो तो। प्रिंट ऑफ एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड आपकी रिलीज कर दी जाएगी 20 मार्च को। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट ऑफ एग्जामिनेशन 5 अप्रैल, 7 अप्रैल, 9 अप्रैल, 11 अप्रैल को होगा। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन आप सभी को पता ही है, 2 शिफ्ट में एग्जाम लिए जाते हैं, 9:30 to 12:30 और सेकेंड शिफ्ट है 2:30 to 5:30 के बीच में। उसके बाद आपका क्वेश्चन पेपर और आंसर की डिस्प्ले कर दिया जाएगा और जो भी बच्चे चैलेंज करना चाहते हैं तो वो चैलेंज कर सकते हैं। आपके रिजल्ट की टाइमिंग है 30 अप्रैल, लेकिन उससे पहले ही रिलीज कर दी जाएगी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है एज लिमिट। तो जेई मेंस के एग्जाम में नो एज लिमिट है, मतलब कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन जो भी कैंडिडेट्स क्लास 12th पास कर चुके हैं या फिर अपियरिंग है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट्स क्लास 12th या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन 2018 या फिर 19 में पास किए हैं वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, या फिर 2020 में जो अपियरिंग है वो भी जेई मेंस एग्जामिनेशन 2020 में अपियर हो सकते हैं। एज लिमिट रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है कि क्या वो एज लिमिट रिस्ट्रिक्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं। जो भी कैंडिडेट जेई मेंस को क्वालिफाई कर लेगा उसके बाद उसको जेई एडवांस देने का मौका दिया जाएगा। तो इन सभी बातों के बारे में आप लोगों को जानकारी होगी। लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सारी डिटेल्स है, आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात किया जाए तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन 5 अप्रैल, 7 अप्रैल, 9 अप्रैल, 11 अप्रैल को होगा। एलोकेशन ऑफ डेट एंड शिफ्ट रैंडमली चूज की जाएगी। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में चूज करना होगा। बीटेक के लिए बता दूं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 पूछे जाएंगे और टोटल मार्क्स 300 होगा। मैथमेटिक्स से आपके 25 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स से भी सेम, केमिस्ट्री से भी सेम। 20 MCQ आपके पूछे जाएंगे और 5 न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा। मार्किंग स्कीम आपको पता है, करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स, इनकरेक्ट के लिए -1 और नो मार्क्स फॉर नो क्वेश्चन आपने अगर किए हैं तो। न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड के लिए +4 फॉर करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट के लिए निगेटिव मार्किंग नहीं है। आर्किटेक्चर और प्लानिंग की आप चेकआउट कर सकते हो, इसके लिंक मैं PDF में डाल दूंगा। ऑप्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसा कि बता दूं जेई मेंस अप्रैल के लिए आपको ऑनलाइन मोड में ही सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने दिया जाएगा। तो जैसा कि बता दूं आप लोगों को अगर खुद से भरना है तो आपको एक कंप्यूटर और इंटरनेट की ज़रूरत होगी। ऑल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, 10th और 12th के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। स्कैन, क्लियर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फोटोग्राफ का जो साइज़ होगा वो 10 KB से 200 KB, साथ में सिग्नेचर और क्लास 12th के एडमिट कार्ड, मार्कशीट या फिर स्कोर कार्ड जो भी आपके पास उपलब्ध है वो होना चाहिए। वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग होना चाहिए, मतलब आपके पास होगा पेमेंट करने के लिए। और साथ में एक प्रिंट करवा लेना आप उस पेज को जब फॉर्म फिलअप करोगे तो। अगर आप ऑलरेडी जेई मेंस जनवरी के एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर चुके हो तो आपके लिए 3 स्टेप्स में ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाओगे ईजिली। अगर आपका कुछ उसमें करेक्शन करना है तो वो 8 मार्च से लेकर 12 मार्च के बीच में वो किया जाएगा। तो 3 स्टेप्स बता दूँ आपको। सबसे पहले आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल देना है उसमें जो आपका जनवरी में था। फिर आपको डिटेल्स फिलअप करने हैं, फिर आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करनी है, कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं, मीडियम ऑफ पेपर
चॉइस ऑफ सेंटर, और साथ में आपका मीडियम इंस्ट्रक्शन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ की क्लास 11 12 की डिटेल्स डालने हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट है थर्ड स्टेप में आपको पेमेंट कर लेना है और कन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड। कैंडिडेट जिन्होंने जेई मेन जनवरी में अपियर नहीं हुए थे या फिर फ्रेश कैंडिडेट जो नया अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए फोर स्टेप्स में एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, उसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट की जाएगी, फिर उसके बाद आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, अपलोड स्कैन इमेज एंड कैंडिडेट फोटोग्राफ, कैंडिडेट सिग्नेचर और ट्वेल्थ एडमिट कार्ड या फिर मार्कशीट अपलोड करनी है, साइज आपके सामने है। उसके बाद आपको पेमेंट कर देना है और ये सभी स्टेप्स सेपरेटली होंगे। और इसमें अगर कोई भी गलती हो जाती है आपसे तो 8 मार्च से लेकर 12 मार्च के बीच में आप इसमें करेक्शन कर सकते हो। उम्मीद करो कि आप कोई भी गलती नहीं करो, क्योंकि इसके लिए आपको एडिशनल फ़ी पेमेंट करना भी पड़ सकता है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहां से आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो इजीली। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जेई मेन अप्रैल, आप इस पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म इजिली फिलअप कर।